आइए, इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन से संबंधित हम बात कर रहे थे, उसके तहत मैंने आपको ये बताया था कि स्टॉकहोम सम्मेलन पहला सम्मेलन था, उसमें तीन समस्याएं उठाई गई थी। वो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के तहत स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 सालों बाद हुआ था। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरियो, भूल के भी मत भूल जाना, ये रिपीट होता है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। और उसमें तीन समस्याएं उठाएगी, मरुस्थलीकरण उठाया गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रीडिंग मार लीजिए, काम चल जाएगा। उसके बाद जैव विविधता वाला है, वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उसको हम अलग चैप्टर के रूप में लेके चलते हैं। वहाँ मैंने आपको बता दिया था कि 2002 में कानून बना था और 2003 में एक अथॉरिटी हमारे सामने आई थी जिसका हेड ऑफिस चेन्नई है, एक बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में बताया था 22 मई, इसकी थीम भी बता दी थी। थीम इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंट को कम कर देते हैं वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये उसकी इम्पोर्टेंस को थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। फिर यहाँ पर ये जो जलवायु परिवर्तन वाली समस्या है, इसमें ये डिसाइड किया गया कि हम पर ईयर कोप का आयोजन करेंगे। इसके अंदर जो हमारे सामने एक प्रोटोकॉल आता है वो आता है UNFCCC, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, और इसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि हम प्रत्येक वर्ष इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर हम क्या करेंगे, जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों पर चर्चा करेंगे। इसको नाम दिया गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हुई थी, ये हुई थी आपकी बर्लिन के अंदर 1995 के अंदर, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, पेरिस सम्मेलन 2015, महत्वपूर्ण। 1.5 डिग्री क्या है, 2 डिग्री क्या है, रच बस जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया पंचामृत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। 2030 के 4 टारगेट है और एक 2070 का टारगेट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2070 वाला टारगेट है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और फिर मैंने आपको यहाँ पर छोड़ा था कोप 27, बताइए ये कब हुआ था, 2022 के अंदर, स्थान कौन सा है, सरमल शेख, यहां पर हुआ था। यहां पर कुछ बातें आई, ये मिस्र है, मिस्र में पड़ता है, लिखिए विशेष, विशेष, विशेष में आज ये पहला लिखिए, लिखिए भारत वर्ष 2070 तक, वर्ष 2070 तक हानिकारक गैसेज का, वर्ष 2070 तक हानिकारक गैसों का उत्सर्जन जीरो कर देगा, हानिकारक गैसों का उत्सर्जन जीरो कर देगा। जीरो कर देगा, इसने ये बात कही। अब देखो, मैंने कल आपको ये बताया था कि नेट जीरो का लक्ष्य 2070, उसमें क्या है, वो थोड़ा अलग है। वो क्या कह रहा है, हम कार्बन के उत्सर्जन को और कार्बन के अवशोषण को बराबर कर देंगे। ये क्या कह रहा है, हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को हम कम कर देंगे, जो भी हानिकारक गैसें होती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, उसको हम शून्य कर देंगे 2070 तक। तो दोनों बातें अलग अलग है, ये बात कही गई है सरमल शेख मिश्र में। ये एक अलग बात है कि दोनों आपस में कोरिलेट है, ये एक अलग बात होती है, ठीक है, लेकिन दोनों में सार अलग है, दोनों का उद्देश्य कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण से निपटने से ही है, ठीक। आइए दूसरा लिखिए, इसमें और क्या बात हुई, इसमें एक रिपोर्ट जारी हुई थी, ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट, ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट, ग्लोबल कार्बन
बजट रिपोर्ट ये जारी हुई है, लिख दीजिए क्या था ये, वर्ष 2021 में, यहां इसने बात कही, वर्ष 2021 में, वर्ष 2021 में सबसे ज्यादा हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करने वाला देश, वर्ष 2021 में सबसे ज्यादा हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करने वाला देश ये चीन, दूसरे नंबर पर है अमेरिका, तीसरे नंबर पर है ईयू, ध्यान रखना यूरोपियन संघ, ठीक ना, 27 देशों का समूह होता है ये ईयू, ये एक संगठन है, देश नहीं है ये है। चौथे नंबर पर जो रखा गया है वो है भारत, भारत का स्थान आपको पता होना चाहिए, वैसे भी कार्बन के उत्सर्जन में मान लो चाहे कैसे ही मान लो, मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी उसमें भी भारत का स्थान कौन सा है, चौथा, ये यही है सारी चीजें। चाइना के आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो 31%, चाइना जो उत्सर्जन करता है 31%, हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि कितना करता है, 31% है। इंडिया का जरूर लिख लीजिए आप, इंडिया का कौन सा परसेंटेज है, इंडिया का है 7%, 7% है ये। आइए, लेकिन अब वही चीजें हैं, यदि आप चीन की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या को देखोगे तो चीन की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या लगभग बराबर है, ठीक है ना भाई, दोनों की 142 143 करोड़ के आसपास है, ठीक है। लेकिन आप देखिए जनसंख्या के यदि आधार पर आप देखोगे तो ये तो करता है 7% और ये करता है 31%, तो 7 × 28 ऐसे मान लीजिए, तो ये तो 4 गुना करता है, ठीक है, और ये 7% ही करता है, तो यदि पॉपुलेशन की दृष्टि से अपने देखें तो भारत कम करता है, आपके सामने है, ठीक है। तो इसमें लिख दीजिए जनसंख्या की दृष्टि से इंडिया कम उत्सर्जन करता है, जनसंख्या की दृष्टि से इंडिया कम उत्सर्जन करता है, आइए तीसरा लिखिए एलडीएफ का गठन, एलडीएफ लॉस एंड डैमेज फंड, लॉस एंड डैमेज फंड, लॉस एंड डैमेज फंड। अब देखिए डैमेज फंड मतलब नुकसान, लॉस कम, देखिए ऐसे कई देश है, ठीक है ना, कई देश है जो कार्बन का उत्सर्जन बहुत कम करते हैं। अब उनके कम करने का कारण कुछ भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है भाई, वो गरीब है इसलिए काई की फैक्ट्री चलाएगा वो, समझे ना बात को, तो कार्बन का उत्सर्जन तो कम कर रहा है ना, लेकिन एक दूसरा देश है वो ज्यादा कर रहा है, तो रह तो इसी पृथ्वी पर रहे हैं दोनों, नुकसान तो उसको ही पहुंचा रहा है ये सारा। भाई जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक है, इंडिया में स्थिति भी यही है, 100 लोग हैं, तो अब मान के चलना इसके अंदर 96 जो है गरीब होंगे, ठीक है, ये हकीकत है, ये ध्यान रखना ये, और 4 अमीर होंगे, ऐसे हैं। अब 4 तो क्या है, इनके घरों में गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, और ये क्या है, फ्यूल जलता है, तो ये कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा करते हैं और ये कार्बन का उत्सर्जन बहुत कम करते हैं, ये मोटरसाइकिल पर डिपेंड है, स्कूटर पर डिपेंड है, साइकिल पर डिपेंड है,
और चलाते भी कम है क्योंकि इनको चलाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो इन अब जब ये उत्सर्जन करते हैं ज्यादा तो इनका तो नुकसान हो रहा है ना भाई। ये तो ये जो धुआं छोड़ रहे हैं, ये जो चार अमीर लोग हैं, वाहनों के माध्यम से, फैक्ट्रियों के माध्यम से, उद्योग धंधों के माध्यम से, ये जो पेड़ काट रहे हैं, जो वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, इन पर तो प्रभाव पड़ेगा ना। ये तो कर नहीं रहे, ये कर नहीं रहे हैं तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इनका योगदान ही तो हुआ प्रदूषण को कम करने में। ठीक है, उसके मूल में गरीबी एक कारण है, लेकिन उत्सर्जन तो कम कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण को तो रोक ही रहे हैं। तभी तो आप देख लीजिए गांवों में पोल्यूशन की स्थिति अभी भी आपको कम मिलेगी और शहरों में ज्यादा मिलेगी। आप इस चीज से समझ सकते हो इसको। तो ये कहा गया कि उन देशों को फंड दिया जाएगा जो कि कार्बन का उत्सर्जन कम करते हैं, और उनको ऐसी कोई टेक्नोलॉजी दी जाएगी। भाई उनको हम कहेंगे भाई आप टेक्नोलॉजी ले लो। जैसे मान लीजिएगा जी मेरे को क्या चाहिए कि यार तुम तो पूरा वायु प्रदूषण कर रहे हो, खराब कर रहे हो, मेरे को भी तो कुछ दो। तो उन्होंने सहायता के रूप में दे दिया, चलो हम आपको टेक्नोलॉजी देते हैं, फ्री देते हैं, आपको इतना पैसा दे देते हैं। ये वो होता है एलडीएफ, ताकि हम बैलेंस कर सकें। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, एलडीएफ यह उन देशों के लिए है जो जलवायु परिवर्तन का नुकसान उठा रहे हैं। यह उन देशों के लिए है जो जलवायु परिवर्तन का नुकसान उठा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का नुकसान उठा रहे हैं। इसमें विकसित इसमें विकसित देशों के द्वारा यह फंड इकट्ठा किया जाता है जिसे जिसे विकासशील और अविकसित देशों को दिया जाता है, डेवलपिंग एंड अनडेवलप्ड, जिसे विकसित और जिसे विकासशील और विकसित देशों को दिया जाता है। जिसे विकासशील, इसको डेवलपिंग बोलते हैं, और अविकसित इसको अनडेवलप्ड बोलते हैं, देशों को दिया जाता है। कौन देता है? विकसित देश। ठीक है ना, समझ जाना इस चीज को। कोई शब्द इधर उधर हो गया हो तो एडजस्ट कर लेना। समझ में आ गई बात सर? ये है। अब इस पर की भी क्या है आपको बताऊं, अब ऐसे पैसे दे कौन? सिंपल सी बात है, कौन दे ऐसे पैसे? तो बातचीत हुई है, अभी कोई लागू करने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं आया है। हम इतना फंड बनाएंगे, बहुत पहले 100 अरब डॉलर के फंड की बात हो गई थी, लेकिन इसको कर नहीं पाए क्योंकि कौन दे पैसा? सिंपल सी बात है, सब एक बिजनेसमैन की तरह व्यवहार करते हैं, तो कौन ऐसा कर दे, ये था इसमें। तो ये बातें हुई, फिर COP 28 आयोजित हुआ। COP 28 इसका आयोजन हुआ 2023 के अंदर है। किस लिए? फीवर आ रहा है क्या? चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बिजली बचाओ आंदोलन। नहीं, अब ये बुखार का सीजन चल रहा है बेटा, अब ज्यादा क्या, जोश मत आना, ये ध्यान रखना। ये जो स्थान हुआ था, लिख दीजिए, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात।
आइए नेक्स्ट आ जाइए। अब इसमें क्या हुआ था, यदि मैं इसके उद्देश्यों के बारे में बताऊं, लिखना नहीं है, इसमें उसी बात को दोहराया गया, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करेंगे, फंड के बारे में बातें हुई, यही बातें इस इन्हीं पर चर्चाएं हुई, कार्बन के उत्सर्जन को हम कैसे करें, क्या करें, ऐसी कोई बात सामने आई नहीं कि हम उसको लेके चलें, और कोई ऐसा कोई समझौता हुआ नहीं, समझे ना, कोई ऐसी घोषणा भी नहीं हुई। उसी बात को दोहराया गया कि नेट जीरो का लक्ष्य हम इतना रखेंगे, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम पृथ्वी के ताप को कम करेंगे, और जो अविकसित और विकासशील देश हैं उनको हम फंड देने का या उनको जो भी उनका नुकसान होता है उसकी पूर्ति करने का हम प्रयास करेंगे। जो पढ़ा है वो ही बातें हुई, ठीक, तो इसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। अब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो होगा कोप 29। ये जो कोप 29 होगा ये होगा आपका 11 से 22 नवंबर 2024 को, 11 से 22 नवंबर 2024 को, इसको बेटा भूल मत जाना, ठीक है ना, आता ही आता है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है एक एग्जाम के अंदर, ऐसे सुमेलित करवा दिया था जैसे ना, ये 29 है तो 28 27 26 25 आगे जगह लिख दिया, ये पता नहीं कौन से एग्जाम में आया था, मेरे याद नहीं आ रहा, मैंने भेजा भी था, वो पेपर भी भेजा था, वो तो ये आ गया था, तो ये तो कन्फर्म मान के चलो आप, ये मोस्ट टू मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हो सकता है आपको सीटी जैसे एग्जाम में ये मिल जाए, ऐसे है ये, तो ये जो है स्थान है बाकू, बाकू में, ठीक, बाकू बताएगा कोई, अजरबैजान की राजधानी है बाकू, क्लियर। आइए जी, अब देखिए, अब इसके अंदर जो भी बात होनी थी मैंने सारी बता दी, ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण से हम चले थे, विश्व के द्वारा किया गया पहला प्रयास स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत चलते चलते हमने पृथ्वी सम्मेलन को किया, पृथ्वी सम्मेलन में जो एजेंडा 21 था उस पर हमने बात की, तीन समस्याएं मुख्य थी, जलवायु परिवर्तन टॉप पर रही, और जलवायु परिवर्तन के संबंध में जो कोप का आयोजन होता है उसमें पहले से लेकर हमने 28 तक बात कर ली, और अब ये जो नई हमारे सामने अपडेट आएगी वो आएगी नवंबर 2024 के अंदर, तो इसके आगे की बात अब नवंबर 2024 के बाद ही होगी, समझे मेरी बात को, अब तक मैंने सारा अपडेट कर दिया। अब जिस दिन ये 11 नवंबर को चालू हो उस दिन यदि आप अखबार वगैरह पढ़ोगे, कोई चीजें पढ़ोगे, आप विश्वास कीजिए वहां पर ऐसे कई नाम आएंगे, ये नाम आएंगे, मिलेंगे आपको वहां पर, मिल जाएंगे साइड के अंदर आपको, UNFCCC की बैठक ऐसे मिल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको नहीं समझ पाओगे, वहां पे आ जाएगा, ऐसे नाम आ जाएंगे, पेरिस सम्मेलन में ये बात हुई थी, आप समझ जाओगे, 2015 वाला सम्मेलन है ये, समझे बात को, आप समझ जाओगे कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड किस संबंध में कहा गया है, आप समझ जाओगे कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड किस संबंध में कहा गया है, 2070 का क्या लॉजिक है कहने का, पंचामृत क्या है, अपने आप ये चीजें आएगी, क्योंकि पुरानी वाली चीजों को यहां दोहराया भी जाता है, आ जाएगा पेरिस सम्मेलन का नाम तो लगभग हर सम्मेलन में आ जाता है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण था ये, तो अब ये अपडेशन नवंबर 2024 में ही मिलेगा आपको, क्लियर होगी सारी बात, तो कंजर्वेशन वाला मामला है वो यहीं पर खत्म होता है, ये क्लियर हो गया आपका, ठीक, चलिए।